सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद उपाध्याय एक बार पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई कविता को लेकर के। कविता का शीर्षक है प्यार और जुदाई। एक प्रेमी किस प्रकार से अपनी प्रेमिका से प्रेम करता था और किस प्रकार से उसके प्यार में वो पागल हो गया था और किस प्रकार से अपने को संभाला और फिर उसके साथ क्या क्या घटना हुई, मैं उसको अपने कविता में संजोने का प्रयास किया हूँ। आप सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन एवं प्रार्थना है कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और अगर मेरी कविता पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान रखें बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। मित्रों आइए कविता को शुरू करते हैं। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। कवि किस प्रकार से संजोता है भाव में अपने, कैसे कहता है कि बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। मिलते थे जहां बागों में, मिलते थे जहां बागों में, सोच आंख भर आई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। दूसरी पंक्ति में किस प्रकार से निवेदित करता है कि देखते थे तेरी आंखों में, देखते थे तेरी आंखों में, समय यूं ही निकल जाता था। देखते थे तेरी आंखों में, समय यूं ही निकल जाता था। अब सिवा तेरे जुदाई के बची तन्हाई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। लंबे अरसे तक इंतजार करता रहा, लंबे अरसे तक इंतजार करता रहा, सांसों के साथ दो घूंट में मरता रहा, सांसों के साथ दो घूंट में मरता रहा। तुम मस्त हो गई साजन की बाहों में अपने, तुम मस्त हो गई साजन की बाहों में अपने, गोविंद पस्त पूरा मैखाना ले जलता रहा, गोविंद पस्त पूरा मैखाना ले जलता रहा। घर वालों की विशेष कृपा से हुई सगाई मेरी, घर वालों की विशेष कृपा से हुई सगाई मेरी। उसने आकर दिलों में जीने की चाह जगाई मेरी, उसने आकर दिलों में मेरे जीने की चाह जगाई मेरी। फिर से धमक आई जीवन में वो बेवफा कौन जिसे पहले प्यार करता था। फिर से धमक आई जीवन में मेरे वो बेवफा, जान लेकर जाएगी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। बड़े दिनों बाद आज याद आई मेरी। मित्रों कविता कैसी लगी, आप लोगों से आग्रह एवं निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और पुनः एक बार सबसे आग्रह कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ध्यान रखें बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम। पुनः कुछ देर कुछ समय पश्चात कोई नई कविता लेकर के आप सबके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हर महादेव, जय द्वारिका।